आ जाएगा इसमें। गुड मॉर्निंग दोस्तों, और बहुत सारा स्वागत आज के ब्लॉग में। नई संडे, नई सुबह और गर्मा गर्म वाला संडे। कल रात से एकदम ढेर सारा गर्मी है, बहुत एकदम ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। स्पेशल काम के लिए निकलेंगे, इसलिए सब काम जल्दी जल्दी स्टार्ट किया है। ड्राई हो रहा वैसे के लिए तुमको धूप में रखना पड़ेगा, धूप में रखोगे तो होगा। देखो शांतनु ने नहाया लेकिन ब्रश नहीं किया। आप भूल गए, शांतनु को पता है शांतनु को ये वॉश बेसिन में ही ब्रश करना है। बाथरूम में रहेगा, बाथरूम में करेगा ही नहीं। हाँ, तुमको सुनाई नहीं देगा। अरे वहाँ पे ब्रश रहता है तो ब्रश लेके यहाँ पे आके ब्रश धो के वहाँ पे जाके बैठेगा। ये वाला स्टूल इसीलिए रखा है, पहले से मतलब सुबह से कुछ फायदा नहीं है। मुझे लेना है भाई, सुबह से फोन पे बिजी है तो मैं आज थोड़ा खाना बनाया था जल्दी जल्दी करके, क्योंकि जल्दी जल्दी खाना वाना खा के जल्दी जल्दी निकलना है, 2-3 बजे निकलना है हमें। Sometimes you win and sometimes you lose and sometimes it calls you right in the move. Come to my table. क्या चाहिए? बिस्किट, रोटी खाओगे? खाना भी खाना है। चलो बाबा, गर्मी ये रूम पे तो रहा नहीं जा रहा, इतना भपन तो गर्मी है। स्वीटी का थके का दगत, इधर पूरा पढ़ाई लिखाई चल रहा है, उसके कॉम भी चल रहा है, मतलब दो काम एक साथ चल रहा है। क्या मल्टी टैलेंटेड, अभी का बच्चों का मल्टी टैलेंटेड होना पड़ेगा। मम्मी किला भी दिखे बिस्किट भाई मस्त है। दो एक तुम्हारे वाला, दो तुम्हारे में भाग जमाने में जो मजा आएगा ना। ये देखो ये वाला बिस्किट। हरिओम हरिओम, मेरी जिंदगी का पहला नया शुरुआत करने जा रहे। ये अंदर का लाइट नहीं है, एक्चुअली चेंज करना है, इसीलिए मैंने अभी तक लगाया नहीं। माँ लक्ष्मी, जिंदगी का नया शुरुआत हो रहा है। ये माता रानी माँ दुर्गा हमें आशीर्वाद दो। आज मैंने ये दाल आमटी बनाया, मैंने बनाया आज। से आने के बाद जो हाँ। दिखाया था ना वही वाला दाल आमटी, दाल आमटी। और यहाँ पे मोहित जी बना रही है स्पेशल आलू भाजा, और यहाँ पे और भी स्पेशल करेला भाजा। बना बना तुम, तुम अपना स्पेशल बनाओ। बन गया मोहित का आलू भाजा, गर्मा गर्म कुछ भी नहीं है। जल्दी जल्दी में आज ये अनियन को अच्छी तरह से थोड़ा सा फ्राई कर लिया, करेला फ्राई करके बेचारा काला हो गया। ये अनियन डालने से थोड़ा टेस्टी लगता है, नहीं तो करेला कड़वा लगता है ज़्यादा। मीठा मीठा नहीं लगेगा लेकिन करेला कड़वा कड़वा लगता है। कुछ अवशिष्ट है? अरे नहीं है ना, टेस्टी है। और यहाँ पे आलू भाजा, और ये आमती वाला दाल, और ये राइस। हाँ ये तो है ही, इसके बिना क्या हो। सिटी का साइलेंट ब्लॉग, क्योंकि सिटी का आवाज ही नहीं है। ओ बेचारा का नहीं, आज अच्छा हुआ आवाज को। आज नए खोज में, नए खोज में, नए गले के साथ सिटी का न्यू ब्लॉगिंग। अरे नहीं, आज सचमुच नया खोज है। अभी जा रही हूँ मुंबई पे घर देखने के लिए। इतने दिनों से तो सिर्फ वही ऑनलाइन पे दिखा हो रहा था, लेकिन प्रैक्टिकली देखना होता है, वो अलग ही चीज होता है। गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। ये पूरा ये सर्च पूरा मैत्री हैंडल कर रही है, क्योंकि ये सब ये ब्रोकर वोकर से डील करने ये करना वो मेरा, मुझे इंटरेस्टिंग भी नहीं लगता है कि बार बार बहुत से फोन आता है, उनको भी फोन करना पड़ता है। प्लस मैत्री को क्या चाहिए उसको ठीक तरह से मालूम है कि घर में क्या चाहिए, 2 बालकनी 3 बालकनी चाहिए, क्या चाहिए और क्या चाहिए, वो सब हमारे फैमिली मेंबर है, पौधे को थोड़ी छोड़ के जा सकते। आज संडे है, कंपैरेटिवली आज थोड़ा कम ट्रैफिक है, संडे है इसीलिए भी। हाँ इसलिए नहीं तो बाकी दिन तो देखना पड़ता। हाँ अरे इनको जाना नहीं। अरे भाई जल्दी चलो, दोनों सेम स्पीड मेंटेन कर रहे हैं। क्या पोजीशन में क्या चाहिए नहीं चाहिए वो सब उसी को ठीक से मालूम है, इसलिए मैंने बोला कि तुम ही हैंडल करो बाबा, क्योंकि मैं करूंगा, मैं कांटेक्ट करूंगा, फिर उसको पूछूंगा, फिर मैं बोलूंगा, उससे अच्छा है कि तुम हैंडल करो। हाँ और भी काम करते हैं, और मेरा बाकी सब काम के लिए भी उतना टाइम नहीं मिल रहा है। स्वीटी फ्लैट ढूंढती है, फ्लैट ढूंढने में स्वीटी है, वो ठीक है, स्वीटी को देना पड़ेगा। Kinda mysterious, shaded by someone I'm not really into. Do you need to fix it? Talking bullshit. Balcony, yes, ma'am. It's hard to see you in the rest.
बैलकनी चाहिए ना, सिंक नहीं, वॉशरूम है ना, वॉशरूम एक छोटा सा है, स्मॉल साइज देखो, हाँ रूम अच्छा है, आ जाएगा इसमें। और एक कहाँ पे है, इधर में, और एक मस्त बेडरूम यहाँ पे, साइज ठीक है, साइज ठीक है। और ये है सेकंड फ्लैट, यहाँ पे अंदर ही जाके किचन था, किचन मुझे बहुत अच्छा लगा, और लिविंग रूम बालकनी है, क्योंकि मुझे पहले ही मैंने सबको बोल दिया था मुझे बालकनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता है इतने सारे मेरा प्लांट है वो भी हमारे फैमिली मेंबर जैसा। और ये है एक पहला वाला बेडरूम जो स्वीटी का होने वाला है, और ये है मास्टर बेडरूम, लेकिन बालकनी इसमें मैक्सिमम फ्लैट में सिर्फ एक ही मिल रहा है, तो वही मैं नाप के देख रही हूँ मेरा बेड आया गया या नहीं। ये किचन एंट्रेंस जस्ट होने के बाद ही किचन था, मॉड्यूलर जो किचन होता है वो, लेकिन इसके साथ एक अच्छा लगा एक ड्राई एरिया है, लेकिन काफ़ी सारे जो फ्लैट देख रही हूँ उसमें ड्राई एरिया नहीं है, इसी में सिर्फ ड्राई एरिया है, लेकिन वही लोकेशन किसी का अच्छा लग रहा है, इसका लोकेशन मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि सामने का जो व्यू है वो मुझे उतना पसंद नहीं है, क्योंकि सामने काफ़ी सारे बिल्डिंग है, एकदम सामने कंजस्टेड थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन फ्लैट अदरवाइज अच्छा लगा, गैस भी एकदम पाइपलाइन वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, चलो चलो अभी नेक्स्ट डेस्टिनेशन में जा रहे हैं, ये हमारे भाई हमारे साथ में हैं, मुंबई के, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इतना पेड़ पौधा है ना, बहुत बहुत बहुत। और थर्ड फ्लैट देखने आया है, इसका भी बहुत अच्छा है, लिविंग रूम भी बहुत बड़ा है, किचन देख रही हूँ, क्योंकि किचन में फ्रिज रखने की जो जगह है वो बहुत छोटा है, अदरवाइज किचन काफी बड़ा है, देख ये कबर्ड है, रूम ठीक लगा, ये है मास्टर बेडरूम ना, कबूतर है, रूम बड़ा है ना, ये कैसा लग रहा, और ये इंस्पेक्शन कर रहे डॉक्टर, बात थोड़ा ओल्ड बिल्डिंग है, 2009 का बिल्डिंग है, इसलिए ये डॉक्टर भी है, ये मास्टर बेडरूम ना, मास्टर बेडरूम है, साइज ठीक है, हाँ साइज ठीक है, साइज ठीक है, वाह यहाँ से व्यू अच्छा है, हाँ स्वीटी घुस गई अपने जगह में, फेवरेट एरिया स्वीटी का, ये है फेवरेट एरिया, अच्छा डक काफ़ी अच्छा है, घुसते यहाँ पे तुम्हारा, हाँ ये तुम्हारा थंबनेल डालो, मेरा घर अच्छा, यहाँ पे ग्लास ये दिया हो गया, कैसा लग रहा है, पुराना घर है ये तो ऐसा पूरा ओल्ड स्टाइल, मेरा जैसा था ना दीवार के अंदर, हाँ। I can't be without you, I've tried and I failed, so can we work it out? लास्ट है, लास्ट गंतव्य में जा रहे हैं, पसंद आ रहा है कुछ का, हाँ, कुछ का ये पसंद आ रहा है, किसका ये, किसी का ये है, किसी का वो है, वो भी किसी का तो यूनिक चीज है ना, मेड टू ऑर्डर फ्लैट बनाना पड़ेगा उसको, अरे नहीं जो पसंद आ रहा है, बजट भी तो है तुम्हारा, इसका वाला ये कॉटन वाला चाहिए, ये टॉय रूम है ना, सेकंड रूम है, सेम है साइज, लेकिन थोड़ा बड़ा है, थोड़ा बड़ा है, कर्टन कर्टन का अच्छा, बाथरूम काफी अच्छा है, अच्छा ये सूटी डक्ट, अच्छा सुसुर यहाँ से पूरा डक्ट है ना, ये जी पूरा की डक्ट है, छोटा बालकनी रूम, अभी एक और डक्ट एरिया है ना, स्टिल आई ट्राई टू कनेक्ट विद यू थ्रू योर आईज, मस्त घर देखना हो गया, मुझे लग रहा है मैं अभी शिफ्ट हो जाऊं, इतना पसंद आ रहा है कुछ, अभी देखो घर नया होगा,
आपको ऑटोमेटिकली पसंद तो आएगा, लेकिन अभी बहुत कुछ देखना बाकी है बाबा, बहुत कुछ पिक्चर अभी बहुत बाकी है। What is on your mind? I think it's time to speak. I crossed the line. स्वीटी आके बेचारा पढ़ाई कर रहा है, क्या हम लोग डिस्कस कर रहे हैं घर के बारे में, लेकिन बेचारे को लिखना पड़ेगा। चलो चलो एंजॉय। बहुत खुश भी हो क्योंकि देखो जिंदगी में पहली बार घर देखने गए हम दोनों, घर ढूंढने गए क्योंकि जिंदगी में पहली बार शादी करके ये घर पे आई थी, इसके बाद मूव करना है। तो पहले सोचा था घर खरीदना है, हम लोग दो माइंड था कि घर खरीदे या रेंट ले। एक्चुअली हम लोग बहुत पहले से जब यहाँ मुंबई आए थे तब हम लोग सोचे थे ये घर, क्योंकि हमारी ये घर कंपनी प्रोवाइडेड है, तो उसके बाद सोचे थे सब जैसे जाते हैं यहाँ से मूव करके सीधे अपने घर पे जाते हैं, मतलब डायरेक्ट अपने घर में शिफ्ट होते हैं। मेरे काफी सारे फ्रेंड्स वैसे ही यहाँ पे चलता है सब कुछ, कोई अगर अलग जगह ट्रांसफर होता है तो वो अलग बात होता है। बेसिकली नेक्स्ट दो तीन साल में हम लोग का प्लान था कि डायरेक्टली शिफ्ट कर जाएंगे, स्वीटी का क्लास 12th भी हो जाएगा और फिर वो टेंशन में नहीं रहा। बेसिकली वो स्कूल के लोकेशन के लिए प्रोजेक्ट, मेरा ऑफिस का ठीक था चलो एडजस्ट, लेकिन स्वीटी का स्कूल के लिए हम लोग रुके हुए थे कि क्लास 12th हो जाए, 3 साल रहे, उसके बाद हम लोग शिफ्ट कर जाएंगे अपने घर। इसीलिए देखा होगा पहले भी, अगर किसी ने मिस कर दिया, काफी सारे वीडियोस ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ क्यों हम मूव आउट कर रहे हैं। पहला दिन जाके बहुत पॉजिटिविटी मिला, ऐसा कहे कि ये एक अलग एक्सपीरियंस है। बहुत सारे देखा उसमें से हमें बहुत सारा पसंद भी आया, लेकिन अभी और भी एक्सप्लोर करना है। अभी स्वीटी का स्कूल का लोकेशन, मेरा ऑफिस का लोकेशन, दोनों तरफ उसके थोड़ा अच्छा हो और प्राइस भी अच्छा हो, बहुत अच्छा मिल जाए। और लोकेलिटी इतना इजी नहीं है, यहाँ पे लाखों में नहीं चलता है, यहाँ पे करोड़, मतलब एक करोड़ नहीं। का घर तो एक सपना है, सबका एक सपना होता है, ये हर लड़की का, हर लड़का का, सभी का एक सपना रहता है। जब मुंबई आए थे हम दोनों पहली बार यहाँ पे, तब हमने सोचा था हम भी घर खरीदेंगे, एक सपना लेके आते हैं। आप लोगों का ब्लेसिंग और भगवान की दुआ से जरूर वो भी पूरा हो जाएगा, लेकिन फिलहाल हम लोग रेंट पे शिफ्ट होंगे तो वही देखना हो रहा है। यहाँ पे ये सूखा नहीं था, बाहर दिया था, लेकिन मॉइस्ट ह्यूमिडिटी है ना, तो इस वजह से वो सूखता नहीं, उसको वहाँ पे फैन पे दे दिया। तो जहाँ पे भी शिफ्ट होंगे वो सब चीजें भी माथा पे चल रहा है, कपड़ा कैसे सूखने देंगे, कहाँ दूंगे, बहुत कुछ चीजें। देखो लड़कियों का स्पेशली बहुत कुछ चीजें माइंड पे चलता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर अच्छा लगा लाइक जरूर करना, मेरे चैनल पे नए फ्रेंड्स है तो सब्सक्राइब जरूर करना। अभी मिलते हैं कल के और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माय फ्रेंड्स। बहुत बिजी है।